नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे चैनल में। मैं मनोज शर्मा आज आपको लेके आया हूँ डीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट इरादत नगर आगरा। और जैसे आप खाद बीज की दुकान खोलना चाहते हैं तो वहाँ उसके लिए पढ़ाई आपको क्या करनी चाहिए, अगर आप कृषि के डॉक्टर बनना चाहते हो, कृषि के वैज्ञानिक बनना चाहते हो या कोई भी एग्री बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन से कोर्स करने चाहिए। दूसरी चीज़ बात करें, अगर एग्रीकल्चर में आप किसी भी विभाग में अधिकारी बनना चाहते हो, कोई भी प्राइवेट नौकरी करना चाहते हो, किसी भी कंपनी में, एग्रीकल्चर की तमाम कंपनियां हैं उनमें अगर जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सी शिक्षा हासिल करनी होती है। तो दोस्तों, कॉलेज के अंदर हमने एंट्री ले ली है। सबसे पहले प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं और इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर्वप्रथम मेरा सभी को नमस्कार और नवन। मैं डॉक्टर विश्व प्रताप सिंह, जो कि डीएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैं प्राचार्य पद पर हूँ और मैंने अभी ये 1 मई 2023 को ज्वाइन किया है। यहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर का कोर्स करना होता है। ये जो एग्रीकल्चर का कोर्स है वो 4 ईयर ड्यूरेशन यानी कि 4 साल का कोर्स होता है। इस 4 साल में ये सेमेस्टर सिस्टम होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल में 2 सेमेस्टर कंडक्ट होते हैं और साल में 2 बार जो एग्ज़ाम होते हैं 6 महीने बाद होते हैं। सेमेस्टर 6 महीने का होता है, 2 ही बार प्रैक्टिकल होते हैं, 2 ही बार सेशनल होते हैं। तो सर, एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, पहले मैंने एक वीडियो डाली थी उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि जैसे खाद बीज की अगर हमें दुकान खोलनी है तो उसके लिए कौन सा कोर्स करें, ठीक है ना। दूसरा, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें जैसे नौकरियां करते हैं, जैसे पायनियर है, महिंद्रा है, काफ़ी कंपनियां हैं जिनमें अच्छे पदों पे लोग जाते हैं और अच्छा पैकेज उनको मिलता है। तो और कृषि के अगर विभाग की बात करें तो विभाग में भी अच्छे पद पर लोग जाते हैं, तो उनमें कैसे जा सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है वो वैसे तो भारत को कृषि का प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 70% देश की आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। बाकी जो 30% बचा वो रॉ मटेरियल भी आपका लैंड से आता है, वो बाद में डाइवर्ट हो जाता है। आप बात करते हैं कि बच्चे मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे करें, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा आपसे। देखिए, 2 सेक्टर होते हैं, एक तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एक नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। एक कोई स्टूडेंट मान लीजिए किसी ने बीएससी साइंस से की, उसको जॉब चाहिए, उसको जॉब लेने के लिए, ओनली मैं साइंस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, उसको जॉब लेने के लिए उसको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। जब कहीं जाके उसको 7 या 8 हज़ार रुपये की, 7 to 8 thousand की पर मंथ की जॉब मिलेगी। अगर वही विद्यार्थी अगर बीएससी एग्रीकल्चर करता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप देख लीजिए बहुत सारे फील्ड्स में आपके यहाँ भी खेत होंगे, आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग आते होंगे विजिट करने के लिए आपके, बिल्कुल आते हैं, तो उनकी जो सैलरी का पैकेज पता होता है। एक इसकी जो सैलरी होती है, एक जो एम्प्लॉय होता है जो उसकी बेसिक सैलरी जो स्टार्ट होती है, जहाँ शुरू से 0 से स्टार्ट करता है, उसकी सैलरी होती है वो 18 से 20 हज़ार रुपये स्टार्ट होती है। बहुत सारी कंपनी जैसे महिंद्रा एग्रोवेट हुआ आपका, पायोनियर हुआ, सिजेंटा हुआ आपका, है ना, सफेक्स हुआ आपका, स्मिथ एंड स्मिथ हुआ, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो हायर करती हैं। हम भी अपने डीएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से प्रति ईयर यहाँ से हम कैंपस प्लेसमेंट कराते हैं। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ से 10 बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट कराया है और जिनकी जो सैलरी है वो आपकी 15,000 प्लस एक्सपेंस, यानी कि उनको 24,000 रुपये के आसपास टोटल पे होता है मंथ का। बच्चे काफ़ी खुश हैं और आप नेक्स्ट टाइम आइए तो आपका हम इंट्रोडक्शन भी कराएंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और देन सेकेंड ये है, अब व्यवसाय की बात करते हैं, पर्सनल व्यवसाय क्या कर सकते हैं। यहाँ से पर्सनल व्यवसाय है, जैसे आपने बहुत सारे खाद बीज फर्टिलाइजर की शॉप्स हैं, उनके लाइसेंस के लिए, उनके लाइसेंस के लिए जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री वैलिड होती है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री वैलिड नहीं है तो आप वो लाइसेंस आपको नहीं मिल पाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकंड, मान लीजिए आपके पास डिग्री भी है और आप शॉप नहीं खोल पाते हैं, तो एक उत्तर प्रदेश की योजना है, वन स्टॉप जंक्शन, एग्री जंक्शन, आपने सुना होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार उस पर सब्सिडी भी देती है, आपको घर से पैसा नहीं लगाना है, आपको 30% घर से पैसा लगाना है, 70% उत्तर प्रदेश सरकार वहन करती है टोटल उसका कॉस्ट का। आप वहाँ से सब्सिडी लेकर आप अपनी वन स्टॉप जंक्शन, एग्री जंक्शन भी खोल सकते हैं, जिसके माध्यम से एक आय का अच्छा, बहुत अच्छा स्रोत है और जहाँ से आप लाखों रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। देन सेकंड, गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर देखिए इतना अच्छा सेक्टर है। आप देखिए, एक कोई विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर,
विलेज का विकास वही कर सकता है जो कृषि के बारे में जानता है। मान लीजिए कि आप, मान लीजिए आप कोई विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या मैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, तो मैं जब ही विकास कर पाऊँगा जब मुझे वहाँ की लैंड के बारे में जानकारी होगी, मुझे वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी होगी। देन एग्रीकल्चर को बढ़ाने वाला और मेन पटरी पर लाने वाला एक होता है पशुधन। पशुओं का बहुत बड़ा सहयोग होता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है आपको क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट कल्टीवेशन। ओके, और जब कल्टीवेशन होगा, आपने पहले देखा होगा 1970 के आसपास में बहुत सारे लोग बैलों से खेती किया करते थे, एक अच्छा आय का स्रोत था, वहाँ पर लोग बैलों से खेती किया करते। आज भी ये आपको पता है कि 30% में से 17.5 एनिमल हस्बेंड्री का जीडीपी मिलता है इंडिया को इकोनॉमी में। 17.5% टोटल जीडीपी इंडिया का आपको एनिमल हस्बेंड्री से अचीव होता है, तो बहुत बड़ा स्कोप है इसका। और इसमें क्या क्या सुविधाएं रहती है, जैसे बाहर के अगर कोई भी बच्चे आते हैं तो उनके लिए हॉस्टल की सुविधा है क्या? देखिए हमारे कैंपस में हमारे पास हॉस्टल की सुविधा है, जिसमें हम अकोमोडेशन फ्री देते हैं, यानी रहना बच्चों के लिए फ्री देते हैं, बाकी हमारे खाने के लिए मैस चलता है, बच्चा मैस में खाए और उसका पे करे। इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटी रहती है, जैसे कि? देखिए हम जो फैसिलिटीज़ देते हैं बच्चों को, यहाँ हॉस्टल के अलावा भी हम यहाँ स्पेशल क्लासेस देते हैं। बच्चे के परीक्षा शुरू होने से पहले, एक महीने पहले, हम और मेरी सारी फैकल्टीज और प्रबंधक महोदय का भी ये आदेश रहता है कि आप इन लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स के प्रति इतने फेथफुल रहिए कि एक महीने पहले बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि आप टीचर्स और या स्टूडेंट की तरह नहीं, आप छोटे भाई की तरह उनको गाइड कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह की शिक्षा देना, प्रॉपर उनको नोट्स प्रोवाइड कराना, प्रॉपर मटेरियल देना और प्रॉपर उनको समय देना और स्पेशल क्लासेस देना। किसी और बच्चे को डाउट है, जस्ट लाइक कोचिंग की तरह हम उनको पढ़ाते हैं, कोई किसी बच्चे का स्पेशल टॉपिक पर डाउट है तो 1-to-1 भी हमारी फैकल्टी उनसे बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट करती है। जी, अगर बात करें जैसे प्रैक्टिकल की या लेबोरेटरी की, तो ये व्यवस्थाएं भी रहती हैं क्या अपने पास? जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारे पास प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग लेबोरेटरी है। आपने बाहर देखा होगा हमारे पास बहुत सारा स्पेस है, लैंड है हमारे पास, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट एरिया कराते हैं। ऊपर भी हमारे पास लेबोरेटरी है, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी है, प्लांट ब्रीडिंग की लेबोरेटरी है, जहाँ पर हम प्लांटों का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में हम सॉइल सैम्पलिंग लेते हैं, सॉइल का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों लेबोरेटरी के बारे में पूरी जानकारी अभी देखेंगे जाके ऊपर, लेबोरेटरी कैसी होती है, क्या क्या चीज़ें होती है लेबोरेटरी में, तो अभी आपको विजिट कराते हैं, चलते हैं सीधे लेबोरेटरी। तो दोस्तों ऊपर लेबोरेटरी पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं इस पे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस की लेबोरेटरी है। तो इसको अंदर से देखते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है हमें। सॉइल साइंस की लेबोरेटरी में आ चुके हैं, सर से पूछते हैं कि लेबोरेटरी में किस तरीके से आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि जो भी बच्चों को प्रशिक्षण मिलता है वो किस तरीके से मिलता है? देखिए ये हमारे पास सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की लैब है। सॉइल का मतलब होता है मृदा, इसमें मृदा का परीक्षण किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्राउंड है, जो हमारे पास कॉलेज के सराउंडिंग में हमारे पास 30 से 40 बीघा का हमारे पास एरिया है, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं। कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कराने से पहले मृदा को पहले परीक्षण किया जाता है। मृदा को जो परीक्षण किया जाता है वो इसी लैब में किया जाता है, यहीं पर लेके आते हैं सबसे पहले मृदा को, स्टूडेंट्स लेके आते हैं, उनको बताया जाता है। और हमारे यहाँ क्या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट टीचर्स भी हैं, जो बच्चों को अलग अलग तरीके समझाते हैं कि H2O4 क्या होता है, पिपेट क्या होता है, किसका कहाँ यूज होगा, अगर मृदा आपकी दलहनी है या दोमट है या फिर उसमें क्या क्षारीय लवण एल्काइन सॉइल्स है या सैलाइन वाटर है, तो उस समय हम क्या करेंगे, कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, कैसे यूज करना है। मान लीजिए कोई मृदा अम्लीय है, एसिडिटी सॉइल है, तो एसिडिटी सॉइल में हमें यूरिया कितना देना है, DAP कितना देना है, केमिकल्स कितने लगाने हैं, उस माध्यम के इसमें प्रकार में हम जानकारी लेते हैं। तो सारी चीज़ें सर ने आपको बताई, अंदर से आप देख सकते हो लेबोरेटरी में जो है वो मृदा का पूरा प्रशिक्षण किया जाता है, और इसमें जितनी भी मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा या फिर बात करें pH वैल्यू की, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं और उसका निराकरण बताया जाता है। तो अभी सर से जानेंगे हम कि एग्रीकल्चर में जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो सर मेन सब्जेक्ट के बारे में जो एग्रीकल्चर के, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए वैसे तो सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने कहा कि मेन सब्जेक्ट बताइए, तो आपके जो मेजर विषय होते हैं एग्रीकल्चर में वो आपका एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है? सस्य विज्ञान में क्या है कि देखिए इसमें क्रॉप्स आती हैं, फसलें आती हैं, आपकी जितनी भी फसलें हैं, आपकी कोई भी क्रॉप्स हुई, गेहूँ बाजरा या फिर आपका मक्का धान ज्वार एक्सेट्रा, बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, 24 फसलों की तो MSP भारत सरकार जारी करती है जी। तो जितनी भी ऑल ओवर क्रॉप्स होती हैं वो सस्य विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। दूसरी जैसे बात करें अगर सब्जी की या फूलों की, तो वो कौन से विषय में आती है? वो एक हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट होता है, उद्यान विज्ञान, उसमें आपकी सब्जियाँ आ जाती हैं,
फूल आ जाते हैं और फल भी आ जाते हैं जी। अगर बात करें जैसे मृदा प्रशिक्षण की या फिर तुम्हारी फर्टिलाइजर की, तो वो किस चीज़ में आती है? ये सब सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पार्ट है, ये सॉइल साइंस के अंतर्गत आता है जी। अगर पशुपालन की हम बात करें तो पशुपालन किस में आता है? देखिए, ये पशुपालन की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत आता है। ये दो भाग हैं, एक तो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, और डेयरिंग का मतलब दुग्ध विज्ञान। इसमें दोनों पशुओं को पाला जाता है और दूध उनका उपयोग किया जाता है जी। और बात करें जैसे फसलों में रोग आते हैं हमारे, तो रोगों के बारे में और कीटों के बारे में ये जानकारी अगर लेते हैं तो किस विषय में आती है वो? तो देखिए, रोग और कीट ये दोनों एक अलग अलग विषय हैं। जो रोग फैलते हैं वो कीटों के द्वारा फैलते हैं। जो कीट आपने दिया, वर्ड दिया आपने, ये एंटोमोलॉजी विषय का पार्ट है जी। और जो रोग दिया वो इंसेक्ट एंड पेस्टिसाइड का पार्ट है जी। बात करें जैसे कई लोग शाखाएँ लगाते हैं और जैसे प्लांट का ब्रीड करते हैं, तो ये कौन से सब्जेक्ट में आता है? ये प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन है। प्लांट ब्रीडिंग का। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी शिक्षा हमारे दर्शकों को दी जो कि लोगों को नहीं थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टुडे आपका हमेशा स्वागत करता रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी चीज़ें अगर आपको पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरा, मैं सर का नंबर आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूँगा। सर एक बार नंबर बता दीजिए जिससे कि जिन लोगों को एडमिशन करवाना है वो आपसे संपर्क कर सकें। देखिए, हमारा जो कांटेक्ट नंबर है, बेसिकली आप ऊपर भी देख रहे होंगे, वो भी दिया गया है, लेकिन मेरा जो बेसिकली नंबर है वो 94-57-85-39-45। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और सर से कांटेक्ट कर सकते हो, एडमिशन के बारे में जान सकते हो, एग्रीकल्चर की पूरी जानकारी भी ले सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विवेक परियार के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ टुडे आगरा। थैंक यू सो मच।